नई संसद के उद्घाटन के समय से ही सेंगोल की चर्चा बहुत हो रही थी। आखिर क्या है यह सेंगोल? क्या यह संसद के कार्य करने की कोई नई पहल है या फिर नई संसद का कोई फीचर? हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अविनाश, वेलकम टू लर्निंग फैक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेंगोल दो तमिल शब्दों से मिलकर बना है। सेमाई, जिसका अर्थ है धार्मिकता या समृद्धि, और दूसरा शब्द गोल, जिसका अर्थ है छड़ी। अतः सेंगोल का अर्थ हुआ धार्मिकता की छड़ी या समृद्धि। सेंगोल एक सोने की परत चढ़ा हुआ राजदंड है, जिसकी लंबाई 5 फीट है, बस की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसे बनाने में 800 ग्राम सोने का यूज हुआ है। इस राजदंड पर बारीक सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसके शीर्ष पर एक नंदी की आकृति बनी हुई है। इसे धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर यह सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता स्थानांतरण के तौर पर सौंपा था। इस सेंगोल का आइडिया सी राजगोपालचारी ने नेहरू को दिया था। इसी विचार को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल की ऐतिहासिकता चोल राजवंश से जुड़ी हुई है। चोल राजवंश में जब भी कोई नया व्यक्ति राजा बनता था या उसका अभिषेक होता था, तब उसे यह सेंगोल नई सत्ता को संभालने के प्रतीक के रूप में दिया जाता था। यदि बात करें चोल राजवंश की, तो इसकी स्थापना 300 ईसा पूर्व से मानी जाती है, पर यदि सक्षम शासन की बात करें तो इसकी स्थापना विजयालय चोल द्वारा सन 848 में की गई। इसकी भाषाएं तमिल और संस्कृत थी। चोलों का क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक फैला हुआ था। इसका वर्णन संगम युग के साक्ष्यों में पहली बार मिलता है। तमिल साहित्य में चोल शासनकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। चोलों ने तमिल के अलावा संस्कृत भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने कई ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख है रामानुज नूर दादी। चोलों ने कई भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से प्रमुख है चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर इत्यादि। इसके अलावा यह मूर्तिकला में भी काफ़ी पारंगत थे। मूर्तियाँ प्रायः धातुओं और पत्थरों से बनाई जाती थी, जो दिखने में अत्यंत सजीव प्रतीत होती थी। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।